हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। सो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की स्टूडियो हम लोग सीखने वाले हैं विड आईक्यू का इस्तेमाल कैसे करें, विड आईक्यू कैसे यूज करें। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं विड आईक्यू है क्या। जैसे आप लोग यूट्यूब में कोई वीडियो अपलोड करते हैं अनलिस्टेड करके, तो उसके बाद आप YT स्टूडियो में जाकर कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्शन टैग आप लगाते हैं, थंबनेल लगाते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पे विड आईक्यू है। विड आईक्यू में एक आपको बेनिफिट मिल जाता है, वहाँ पे डेली आइडियाज विड आईक्यू आपको बताता है। 3 आइडिया डेली वो देता है कि आपको किस टॉपिक पे कौन सा कंटेंट आपके लिए अच्छा, जिस पे आप वीडियो अगर बनाते हो तो आपका चैनल ग्रो कर जाता है, आपका चैनल पे व्यूज आता है। इस तरह से आपको यहाँ पे विड आईक्यू सपोर्ट करता है। यहाँ पे वहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, डेली आइडियाज, रिसर्च, ऑप्टिमाइज। वहाँ पे SEO कर सकते हैं अपने वीडियो को, आपके अपने वीडियो पे टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन सही से लगा है कि नहीं, वहाँ पे आपको बताता है विड आईक्यू में। तो चलिए हम लोग जानेंगे कैसे उसका इस्तेमाल करना। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के लिए आपको चले जाना है प्ले स्टोर में। वहाँ जाने के बाद आपको विड आईक्यू लिखकर सर्च करना है। अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो यहाँ से मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे आपको साइनअप करना है। आपको चले जाना है यहाँ पे, ओपन कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे जैसे ही ओपन होगा, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा ब्लैक कलर का, यहाँ पे बॉर्डर है, यहाँ पे आपको मिल जाता है आपको गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपका ऑलरेडी साइन इन है तो यहाँ से आप साइन इन कर सकते हैं। गेट स्टार्टेड फॉर फ्री वाला पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हैं हे देयर, यहाँ पे आपसे लेट्स गो करने के लिए बोलेगा। अगर आप चाहते हो यहाँ पे पढ़ के इसे आप लेट्स गो वाले पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं आपसे पूछता है व्हाट्स योर मेन गोल एज ए यूट्यूब क्रिएटर, आपका मेन गोल क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट मोनेटाइजिंग माई चैनल, ग्रो माई चैनल फास्टर, प्रमोट ए बिजनेस। क्या करना चाहते हैं आप यूट्यूब पे, मतलब आप चैनल को मोनेटाइज कराना चाहते हैं, ग्रो कराना चाहते हैं, या बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं। यहाँ पे स्टार्ट, अगर आप नए हो तो भी यहाँ पे आपका ऑप्शन है, नए नए हो तो आप नए वाले पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे चैनल बना हुआ, तो मुझे क्या करना, अपने चैनल को ग्रो करना है, तो यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रो माई चैनल फास्टर वाले पे क्लिक कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद आपको देखने को लिए मिलेगा यहाँ पे, आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, सारा कुछ आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। उसके बाद ही आप नेक्स्ट वाले पे क्लिक करें। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे लिंक कर रखा है अपने YouTube चैनल से, यहाँ पे विड आईक्यू पे ट्रस्टेड है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने किया है, वीडियो भी बनाया। मैं भी अपने चैनल को यहाँ पे लिंक करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आपसे यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम पूछेगा, आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ए क्रिएटर फॉर, कितने दिनों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। आई हैव जस्ट स्टार्टेड, अगर आप लोगों ने तुरंत स्टार्ट किया हो तो यहाँ पे स्टार्ट वाले पे क्लिक कर सकते हैं। 1 से 3 मंथ हो तो कर सकते हैं, 4 से 12 मंथ हो सकता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। मैं यहाँ पे 1 से 3 ईयर मेरा चैनल को हो गया, तो यहाँ पे 1 से 3 वाले पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्स योर लेवल ऑफ नॉलेज अबाउट YouTube के बारे में कितना नॉलेज है, क्योंकि मैं 1 ईयर से काम कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज हो चुका है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अगर नॉलेज नहीं है तो आप थर्ड वाले पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप करूँगा सेकेंड वाले पे क्लिक करूँगा, थोड़ा थोड़ा नॉलेज इसलिए सेकेंड वाले पे। हाउ वुल यू डिस्क्राइब योर क्रिएटर लाइफ स्टाइल, यहाँ पे किस तरह से आप काम करना चाहते हैं, पार्ट टाइम की तरह, फुल टाइम की तरह, आई एम नॉट श्योर, मतलब आप अभी मतलब श्योर नहीं है कि कैसे आपको काम करना है। अगर आप, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे आप पार्ट टाइम ही यूट्यूब पे काम करें, जॉब छोड़कर काम ना करें, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे सक्सेस रातों रात नहीं मिलने वाला। यहाँ पे बहुत मेहनत, स्ट्रगल करने के बाद बहुत सारे ऐसे कम लोग हैं जिनको रातों रात यहाँ पे मतलब तरक्की मिल जाती है, बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं बहुत दिनों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनको इस तरह से आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, बहुत कम सब्सक्राइबर, बहुत कम व्यूज है, जैसा कि मेरा। तो इस तरह से आप जॉब छोड़ कर यहाँ पे काम ना करें, आप पार्ट टाइम में इसे कर सकते हैं। अगर आपके पास जॉब है तो पार्ट टाइम में, मैं सजेस्ट करूंगा कि पार्ट टाइम में करें, क्योंकि मैंने भी इसे पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था। अभी मेरा जो है फुल टाइम कर रहा हूं, क्योंकि मैं अभी जॉब नहीं कर रहा हूं, यहां पे छुट्टी पे हूं, तो इसलिए मैं इसे अभी फुल टाइम कर रहा हूं। तो यहां पे आपको करना क्या है, अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हो तो पार्ट टाइम पे करो, फुल टाइम करना चाहते हो तो फुल टाइम पे करो। तो यहां पे मैं फुल टाइम कर रहा हूं, तो फुल टाइम वाले पे क्लिक कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड क्रिएटिंग फॉर यूट्यूब ईच वीक, कितने घंटे आप स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे वीक में। यहाँ पे देख सकते हैं आप यूट्यूब पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसा आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग दिन भर लगे रहते हैं, बहुत सारे लोग 1 घंटे करते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, जैसे मतलब आप स्पेंड करते हैं आपको सिलेक्ट कर लेना। यहाँ से मैं 3 से 4 घंटे करता हूँ, तो यहाँ पे मैं 3 to 8 वाले पे क्लिक कर लूँगा इस तरह से। हाउ इम्पोर्टेंट इज बींग ए क्रिएटर टू यू, यहाँ पे देख सकते हैं जो आप यहाँ पे अगर चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं आई थिंक अबाउट क्रिएटिंग कंस्टेंटली, आई थिंक अबाउट क्रिएटिंग सम टाइम, आई एम जस्ट स्टार्टिंग एक्सप्लोरिंग, जो भी आपका क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे 1 वाले पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं इन द पास्ट ईयर विड आईक्यू हैज़ हेल्प 14,300 लोगों को, यहाँ पे विड आईक्यू ने
सपने को पूरा किया है। तो आपको करना क्या, आप चाहते हो अगर यहाँ पे जुड़ना, आप लिंक करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो, नेक्स्ट वाले पे आपको क्लिक कर देना आगे बढ़ने के लिए। फिर से आपको नेक्स्ट कर लेना है, आप पढ़ सकते हो जो भी आ रहा है, आप यहाँ पे क्लियरली आप पढ़ सकते हैं लिखा हुआ, इस पर नेक्स्ट वाले पे क्लिक करना। आप देख सकते हो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे साइनअप करने के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा साइनअप किससे करना है। कोई भी मेल आईडी से आपको साइनअप नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोल रहा है, साइनअप नाउ टू स्टार्ट योर प्लान फॉर फ्री। यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे देख सकते हैं साइनअप विथ गूगल, जिस ईमेल आईडी से आपका यूट्यूब चैनल है उसी से साइनअप करना, ताकि आपको यहाँ पे आपके चैनल का सारा डिटेल्स आपको शो करे, आपके चैनल पे जो भी वीडियोस है, आपके चैनल पे जो भी आइडियाज आएगा आपके चैनल के हिसाब से यहाँ पे आपको देगा, जो भी कॉन्टेंट आपको सजेस्ट करेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे साइनअप विथ गूगल वाले पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे जितना भी मेल आईडी आपका गूगल अकाउंट से यहाँ पे होगा तो आपका शो करेगा, जिस ईमेल आईडी से आपका यूट्यूब चैनल है उस वाले को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही अपने ईमेल आईडी को सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपके स्क्रीन पे ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो ईमेल आईडी है यहाँ पे साइनअप हो गया है विद आईक्यू के साथ। यहाँ पे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा होम स्क्रीन पे। आपको यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नर में चले जाना है, ट्रॉफी का एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे सिंबल, इस पर आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे अचीवमेंट, जो भी आपके चैनल पे अचीवमेंट रहेगा यहाँ पे आपका शो कर रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो चैनल का अचीवमेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं 2,50,000 यहाँ पे मेरा व्यूज़ है। नीचे में देख सकते हैं सब्सक्राइबर्स, यहाँ पे 1,500 सब्सक्राइबर है, यहाँ पे आपका अचीवमेंट शो करेगा। यहाँ से आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे डेली आइडिया रिसर्च ऑप्टिमाइज यहाँ पे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा नीचे साइड में। सबसे पहले चले जाते हैं हम लोग यहाँ पे डेली आइडियाज़। जैसा कि मैंने आपको बताया विद आईक्यू यहाँ पे 3 आइडिया डेली शेयर करता है आपके साथ। आप चाहो तो उसे सिलेक्ट करके उस कंटेंट बना सकते हो उस टॉपिक पे। तो आपको चले जाना है डेली आइडियाज़ वाले पे। यहाँ जाने के बाद आपको ओके गॉट इट करना है। इस पर देख सकते हैं फर्स्ट यहाँ पे मेरा आइडिया जो शो कर रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा, इस पर मुझे बनाने के लिए बोल रहा है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे डिसमिस कर सकते हो। सेकंड आइडिया यहाँ पे देख सकते हैं, सेकंड आइडिया यहाँ पे शो कर रहा है यहाँ पे रांची जू का स्नेक हाउस इन ऐसा कुछ, मतलब जूलॉजिकल का बनाने के लिए बोल रहा है। अगर मैं रांची जाऊँगा तो ही यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं कलकत्ता में हूँ तो यहाँ पे नहीं बना सकता, तो मैं यहाँ पे डिसमिस कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेन हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज का बना सकता हूँ यहाँ पे, सजेस्ट कर रहा मुझे क्योंकि ये नज़दीक में है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मीडियम दिखा रहा। तो इस तरह से अगर आप चाहते हो तो इसे आप सेव भी कर सकते हो। अब क्या करना है, चले जाना यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपने सेव कर लिया। सेव कहाँ और आप यहाँ पे सेव्ड वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेन एंड हावड़ा ब्रिज, इस तरह से मैंने जो आइडियाज था वो सेव कर लिया। अब चाहो तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ। अब आपको क्या करना है, रिसर्च वाले में जाना है। आपको यहाँ पे क्या मिलता है, कौन सा कंटेंट, अगर कोई भी आप वीडियोस बना रहे हैं तो उसका टाइटल यहाँ पे आप लिख के पता लगा सकते हैं कि उसमें कंपटीशन कितना है। तो आप सबसे पहले मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे विड आईक्यू का, क्योंकि मैं विड आईक्यू बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं विड आईक्यू यूज कैसे करें, इस तरह से सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करेंगे आप देख सकते हैं ओवरऑल स्कोर 62 दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कंपटीशन में यहाँ पे देख सकते हैं लो दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लो दिखा रहा है तो मैं यहाँ पे वीडियो बना सकता हूँ, हो सकता है मेरा ये वीडियो वायरल हो जाए। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। मीडियम भी हो सकता है, अगर मीडियम है तब भी आप वीडियो बना सकते हैं। अगर यहाँ पे हाई रहेगा कंपटीशन तो वीडियो आप ना ही बनाओ तो बेहतर है, क्योंकि वो वीडियो आपका वायरल होएगा ही नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कीवर्ड आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, विड आईक्यू यूज कैसे करें, विड आईक्यू ऐप कैसे यूज करें, यहाँ पे सारा कुछ आपको देखना। इतना सारा आपको मतलब कीवर्ड्स यहाँ पे आपका या टाइटल लगा सकते हैं, इस तरह से आपका शो कर रहा था। तो मैं विड आईक्यू यूज कैसे करें बना रहा हूँ, तो यहाँ से मैं आपका टाइटल ले लूंगा। तो इस तरह से आप मतलब आप टाइटल ले सकते हैं, कीवर्ड्स ले सकते हैं, यहाँ से आपको यहाँ पे शो कर देगा। आपका कंपटीशन भी शो करेगा कितना आपके वीडियोस पे कंपटीशन है। अगर ज़्यादा है तो मत बनाए, अगर लो है तो वीडियो को बनाए। अगर आपका लो रहेगा तो वायरल होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, व्यूज़ आने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। आप चले जाते हैं हम लोग यहाँ पे ऑप्टिमाइज वाले पे। जैसे ही ऑप्टिमाइज वाले पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी वीडियो हम लोग यहाँ पे डाले हैं सारा यहाँ पे आपका शो कर रहा होगा इस तरह से। तो आप अगर चेक करना चाहते हो तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो आप पुराने वीडियो पे क्या है। तो चलिए एक वीडियो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे आप SEO कर सकते हैं। अगर आपका चैनल पे टैग डिस्क्रिप्शन कुछ भी आपका गलत रहेगा तो यहाँ पे आपका शो करेगा, टाइटल कुछ भी रहेगा यहाँ पे शो करेगा। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मेरा जो टाइटल है यहाँ पे इस तरह से शो कर रहा, टैग भी है सारा कुछ यहाँ पे शो कर रहा, कौन सा टैग यहाँ पे रैंक कर रहा वो भी शो कर रहा, कुछ येलो आ रहा कुछ ग्रीन आ रहा। ये देख सकते हैं जो ग्रीन आ रहा यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे रैंक कर रहा, ज़्यादा इस पे व्यूज़ आ रहा। तो यहाँ पे कुछ टैग यहाँ पे सजेस्ट भी कर रहा है। अब यहाँ टैग्स यहाँ से कैसे ले सकते हो, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे आप टैग यहाँ पे डाल सकते हैं। वीडियो अगर वहाँ पे अनलिस्टेड करके आप डालते हो तो यहाँ पे एक बार आप विड आईक्यू पर आकर चेक करें, यहाँ से आपको टैग सजेस्ट कर सकता है। तो उस टैग को आप लेकर यहाँ पे वीडियो बना सकते हो। चलिए यहाँ पे एक डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे यहाँ से एक टैग ले देते हैं। देख सकते हैं उल्टा पानी अंबिकापुर,
यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से जैसे ये मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे आ गया आपके। तो इस तरह से आप यहाँ से टैग ले सकते हैं, आपको जो भी यहाँ पे टैग रैंक कर रहा है उस तरह से हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब SEO स्कोर यहाँ पे चेक करते हैं। SEO स्कोर चेक करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे 50-50 यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं चेकलिस्ट में चले जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन लेंथ सही है, टैग लेंथ सही है, मेड पब्लिक यहाँ पे सही है, एडेड वन टैग इन टाइटल यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब जो जो ग्रीन है यहाँ पे मेरा सही है, सारा कुछ यहाँ पे मतलब सही से दिखा रहा है। SEO स्कोर में यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया 50 में 50 मुझे मिला है। क्यों मिला यहाँ पे देख सकते हैं, टैग काउंट 5 में 5 है, टैग वॉल्यूम 5 में 5 है, कीवर्ड्स इन टाइटल 5 में 5 है, कीवर्ड इन डिस्क्रिप्शन 5 में 5 है, इस तरह से मैंने मतलब यहाँ पे शो कर रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे स्कोर जो 50 में 50 यहाँ पे मिला। आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, अगर कुछ गलत है तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे वापस हो जाते हैं, वापस होने के बाद आपको यहाँ पे मोर में चले जाना है। आप चाहो तो यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हो, यहाँ से लॉग आउट का भी ऑप्शन यहाँ से आपको मिलेगा। यहाँ पे लॉग आउट वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लॉग आउट हो जाएंगे आसानी से। सो गाइस यहाँ पे आप लोगों ने देखा VidIQ का इस्तेमाल कैसे करना है, VidIQ कैसे आप यूज कर सकते हैं, VidIQ ऐप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिंपल तरीके से बताया कैसे सारा कुछ यहाँ पे आपको आइडिया शेयर करता है, कैसे आप रिसर्च कर सकते हैं, कैसे आप यहाँ पे टैग कौन सा रैंक कर रहा जान सकते हैं, इतना सारा कुछ आप VidIQ में जान सकते हैं। हो सकता है यहाँ से आपका वीडियो वायरल भी हो जाए, अगर आपके वीडियो पे 2, 4, 7, 10 ऐसा व्यूज आके रुक जाता तो यहाँ से आप वायरल कर सकते हैं। सो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।